मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। क्या लगता है कि कब तक समाधान हो पाएगा? मैंने सारी बात आपके सामने कही है, खुल के कही है। मुझे लगता है कि हम अगले 4-5 दिन में कंट्रोल कर लेंगे। जो जरूरत की रिक्वायरमेंट बिजली है वो हम दे देंगे। ये कूलर बंद कर देंगे जी, कूलर बंद करिए भी यार, कूलर बंद कर दो और पीछे बोले ना कोई 2 मिनट। हाँ जी बताइए सर। सबसे बड़ी समस्या की जब सप्लाई का टाइम आता, पानी की सप्लाई का, उस टाइम लाइट चली जाती है, स्कूलों में, आंगनबाड़ी में और खेत में भी बढ़ती है। ऐसी कोई चीज़ है तो नोटिस लेंगे। जहाँ कोई सिरके की बात आपने मेरे से कही है, मैं तुरंत इस पर एक्शन करूँगा। ऐसे वक्त पे नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, हम उनको ट्यूबवेल के टाइम में बराबर कंटिन्यू रखेंगे, उन्हें समय से बिजली मिलेगी। पर 4-5 दिन में हम कर लेंगे बहुत जल्दी। हमारे कल मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, वो ऑनरेबल RK सिंह जी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से मिले थे, और मेरी भी रात CM साहब से बात हुई। हमें कुछ कर्नाटक से कुछ और जगह से हमें बिजली मिल रही है, जो शायद अगले 2-3 दिन में। हमें 700-800 मेगावाट चाहिए। अगर वहाँ से 11 तारीख को हमारा स्टे वैकेट हो जाता है तो 706 मेगावाट हमें दिल्ली से मिलती है, जो केजरीवाल साहब ने रोक दी, वो हमारी हो जाती है। अगर हमारा रोटर आ जाता है, चाइना में लॉकडाउन रहता है, तो 600 मेगावाट वही हमारी पूरी होती है। अडानी साहब का हमें लगता है जो अडानी की पावर है वो हमें इस नेक्स्ट वीक में, इसी वीक में मिलनी शुरू हो जाएगी। मंगलवार आ जाए, बुधवार आ जाएगी, तभी मैं कह रहा हूँ 5 वो आ जाएगी तो 1100-1400 मेगावाट है, हमें कोई दिक्कत है नहीं। हमारी 700 मेगावाट बढ़ जाती है। सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अडानी के नतमस्तक है, जो कंप्रोमाइज किया था। सरकार किसी के नतमस्तक नहीं होती, लोग सरकार के नतमस्तक हुआ करते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कमज़ोर नहीं है किसी से नतमस्तक। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पार्टी है, इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं हुआ करते। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों का जमाना आ गया। मैंने फ्रांस जर्मनी का उदाहरण दिया था, हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय पार्टी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस चले थे, अगले 30-40 साल यही पार्टी चलेगी। कांग्रेस में जो हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, अगर हुड्डा साहब को देना था तो 8 साल पहले देते। अब तंवर को बना के, सैलजा को बना के, जो 0-0 थे उन 0 को बना दिया, 4-0 फिर बराबर खड़े कर दिए। 0+0+0+0=0, वो एक नहीं बनता। कांग्रेस में कुछ था तो हुड्डा साहब पे था, इन पे कुछ है ही नहीं। ये तो औरों के कंधे पे चढ़ के घूमने वाली सवारी हैं। हम नहीं मानते, आम आदमी पार्टी को अब तक कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। ना दिल्ली में कभी जब अपोजिशन की मीटिंग बुलाई जाती है, सोनिया गांधी ने कभी इनवाइट नहीं करा, कभी ममता बनर्जी ने नहीं करा, कभी मुलायम सिंह ने नहीं करा। एक पंजाब में हालात, घटनाएं ऐसी थी, डिसल्यूजनमेंट अगेंस्ट लीडरशिप थी, तो बन के आगे उसको मैं कोई सीरियसली नहीं लेता। देखिए, अनएम्प्लॉयड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसका जल्दी से कोई नहीं है। आबादी हमारी 135 करोड़ है, तो ये चीज़ें हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता जितना कवर हो रहा है सब हम कर रहे हैं। सब चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दिया, कोई किसी का ये नहीं कि किसी के थ्रू दे के पैसा नौकरी में लग जाए, सब ऑन मेरिट सब हो रहा है। इससे बढ़िया हम एक सिस्टम को ठीक तरीके से पुटअप कर दिया। अब कौन आता है नहीं आता है लोगों की बात। दूसरे अस्पताल में भूखा उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में हम मेहनते शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गए और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।